गुड मॉर्निंग क्लास, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में। क्या होता है कंपोजिट फंक्शन, आइए बात करते हैं। मैं यहां से दो फंक्शन कंसिडर करूंगा, एक फंक्शन एफ, दूसरे फंक्शन को जी एक्स, है ना। ये दोनों को फिर क्या करेंगे, मिक्स करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं किस तरह से मिक्स किया जाता है। तो लिखते हैं, लेट अस कंसिडर टू मैप्स। फर्स्ट वन इज एफ, मैप्स फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन है एफ जो कि मैपिंग है ए से बी में। ए क्या है, एफ का डोमेन, एंड बी इज द कोडोमेन ऑफ एफ। एंड अनदर फंक्शन, एंड दूसरा फंक्शन मैंने कहा जी, एंड जी इज मैप्स फ्रॉम बी टू सी। सही सर? यस। इस फंक्शन में ए क्या है, ए इज वस्तु, यहां पे कहूंगा मैं डोमेन ऑफ एफ, एंड बी इज कोडोमेन ऑफ एफ। सर यहां पे बी क्या है, बी जो भी यहां पे है सेम बी मैंने यहां पे कंसिडर कर रखा है, ठीक है सर। तो बी इज वस्तु डोमेन ऑफ जी, एंड सी इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ जी, जी का कोडोमेन। अगर इस तरह से दो फंक्शंस मेरे पास में गिवन है, तब जाकर के एक न्यू मैपिंग डिफाइन होता है। कहां से कहां तक में सर, देखें दोनों में क्या चीज कॉमन है, बी। अगर मैं इन दोनों को रिमूव कर दूं तो मेरे पास ए से सी में एक मैपिंग डिफाइन होता है। वो किस तरह से डिफाइन होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सही है सर? यस। तो लिखूंगा मैं कि दो मैपिंग हमारे पास में ए और बी है, देन ए न्यू मैप्स, है ना, यहां से लिखते हैं, देन ए न्यू मैपिंग फ्रॉम ए टू सी, है ना। लेट्स कंसिडर एच, ठीक है सर। यस, ए से सी में डिफाइंड है, कौन सा एच, तो एच को इस तरह से मैंने कहा कि ए से सी में डिफाइन है। तो जो ये एच होता है, एच इज नॉट एज कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन, दोनों फंक्शन का। तो किस तरह से एच इज डिफाइंड एज, एच को हम लोग कहते हैं जी ऑफ एफ, ठीक है सर। यस, तो एच एक्स जो डिफाइंड होगा मेरे पास में, इट इज डिफाइंड एज जी ऑफ एफ। जिस जी ऑफ एफ का मतलब है कि जी में, है ना, x की जगह पर हम लोग यहां पर एफ एक्स पुट करने वाले हैं, g ऑफ एफ एक्स। सही सर? यस। इसको कुछ दूसरे तरीके से समझते हैं। मैंने कहा कि आपके पास में एक फंक्शन है, मेरे पास में f। इस f फंक्शन को मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं आपके सामने में, एक मशीन की तरह क्रिएट कर रहा हूं। सही सर? इस मशीन का आउटपुट निकल रहा है मेरे पास कुछ यहां से, और यहां से कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। इस फंक्शन को कहा मैंने f, क्या कहा सर, f कहा। इस फंक्शन में मैं इनपुट दे रहा हूं आपके पास में x। सही है सर? इसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा मेरे पास में। एक और मशीन यहां से मैं बना रहा हूं जो कि g होगा मेरे पास में। क्या होगा, g। इस फंक्शन को कहूंगा मैं g, ये फंक्शन है g, और इस मशीन का जो इनपुट होगा, देखो यहां से कहां से आएगा इसका इनपुट, ये जो भी आएगा ये इसमें फीड किया जाएगा। सही है सर? यस, जी में फीड किया गया। अब यहां से जो निकल करके आया, दिस इज एच एक्स, ये क्या है मेरे पास में, एच एक्स है। सही है सर? यस। और एच एक्स क्या होगा, देखो ये जो एक्स डाला, फंक्शन क्या है एफ, तो क्या निकलेगा सर मेरे पास, एफ एक्स निकलेगा। इस एफ एक्स को कहां डाल रहे हैं, जी में, तो क्या निकलेगा मेरे पास में, हाँ, तब जाकर के हमारे पास में आता है दिस इज जी ऑफ एफ एक्स। जी फंक्शन का इनपुट क्या हुआ, एफ एक्स हुआ, तो मुझे क्या मिला, जी ऑफ एफ एक्स। इसी को मैंने कह दिया यहां से आपके पास में एच एक्स, ये न्यू मैपिंग। कहां से कहां तक में, हाँ, अब देखो एफ कहां से कहां डिफाइंड है, ए से बी में, और ये कहां से सर, बी से सी में। तो इनपुट कहां से आ रहा, ए से आया, आउटपुट कहां से निकला, सी से। देन एच एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, और एक्स कहां से बिलोंग करेगा, एक्स देखो, एक्स इसका इनपुट है, इसका इनपुट है, एफ का इनपुट, एफ का इनपुट कहां से सर, डोमेन से। F का डोमेन क्या है, A से। इसका मतलब X belongs to A।
यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, तो यहां से मैं कहूंगा हियर एक्स बिलोंग्स टू आपके पास में ए है, तब जाकर के जो वो फंक्शन मिला दैट इज नॉट एज जी ऑफ एफ एक्स। इस जी ऑफ एफ एक्स को दूसरे तरीके से भी, दूसरे स्टाइल में भी लिखते हैं। आप कहोगे सर कैसे, तो सर इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि जी ऑफ एफ गॉफ है ना, गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है सर। चलिए इतना कॉपी कर लेंगे आप पहले, सही है सर। यस, इसको मिटा करके मैं एक बार फिर से लिखता हूं, देखेंगे इसे, है ना सर। यस yes. तो मैंने कहा कि एच एक्स जो आया मेरे पास में, एच एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम, एच एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, है ना। यस yes. अब देखो यहां पर एच एक्स को मैंने लिखा, एच एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स लिखा इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ जी जो है एसोसिएट किया गया आपके पास एफ एक्स के साथ में, ठीक है सर। जी इज एसोसिएटेड विद एफ एक्स कह सकते हैं यहां से, ठीक। इसको एक और चीज भी हम लोग बोलते हैं, इट एसोसिएट्स द जी वैल्यू, हाँ इसे कहेंगे इट एसोसिएट्स, इट एसोसिएट्स द जी वैल्यू, इट एसोसिएट्स द जी वैल्यू ऑफ, किसका सर, जी वैल्यू ऑफ आपके पास में हम कह सकते हैं g value of the value of x, g value of the value of the value of x, the value of x के साथ में, ठीक है सर। यस, अब यहां से हम लोग कुछ देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या x है, क्या आपके पास में है। इस फंक्शन में g of fx होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स कहां डाला गया, जी के इनपुट में, जी के इनपुट में। जो जी का इनपुट होता है वो क्या होता है, डोमेन। हाँ, इसका मतलब है कि एफ एक्स का जो आउटपुट होगा वो इसके डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, किसके डोमेन से, जी के डोमेन से। अब ऐसा नंबर डालो कि जी डिफाइंड ही नहीं है, तब क्या जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड होगा, नो सर, तब जाकर के जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड नहीं होगा। तो एफ एक्स वही होना चाहिए जो कि इससे बिलोंग करना चाहिए, जी के डोमेन से, तब जाकर के जी ऑफ एफ एक्स विल डिफाइन। तो यहां से कंडीशन लिख लेंगे हम लोग, जी ऑफ एफ एक्स विल डिफाइन ओनली व्हेन, जी ऑफ एफ एक्स विल डिफाइन ओनली व्हेन, ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स For which fx is the subset of domain of gx। हाँ, gx के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, या तो कंप्लीटली मेरे पास में gx का डोमेन ही होना चाहिए, या फिर आपके पास में क्या होना चाहिए सर, सबसेट होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि g of fx को डिफाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज, क्या कह सकते हैं fx कौन था, रेंज था फर्स्ट फंक्शन का। तो यहां पे मैं कहूंगा कि डोमेन ऑफ जो होगा आपके पास में, रेंज ऑफ fx इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx, ठीक है सर। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ठीक है। यस, चलिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहां से देखते हैं कि क्या एक्चुअल में किया हमने, चलो एक बार और फिर से आपको बताता हूं, आप ही कर लेंगे इसे। हुआ क्या, हुआ ये कि इसको सेट से समझते हैं, एक सेट मेरे पास में है ए, एक दूसरा सेट मेरे पास में है बी, सही सर। ए से बी में एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, इस फंक्शन का नाम है fx। अब देखो एक दूसरा सेट मेरे पास में गिवन है, सी सेट गिवन है, क्या सर, सी सेट गिवन है। अब जो इसका इनपुट है, इसका इनपुट आपके पास में, f का इनपुट मेरे पास में इसके जितने भी थे x से, x हमने फिट किया, तो मेरा मुझे क्या मिला सर, fx। और ये सारे के सारे वैल्यू क्या है सर, यहां पर कुछ ना कुछ आपके पास में आउटपुट निकल करके आएगा जो कि fx होगा, और ये कोडोमेन है b का, एफ का कोडोमेन है बी।
अब इनमें से उस एलिमेंट जो आउटपुट मिलेगा उसको इसमें फीड किया जाएगा। अब देखो जो आउटपुट मिलकर के आया, आउटपुट किसका पार्ट है? इस बी का ही पार्ट है। और बी से सी में एक फंक्शन डिफाइंड है, इस फंक्शन को हमने कहा था जी, बी से सी में डिफाइंड है, सही सर? यस। तब जाकर के दूसरा फंक्शन मिलता है, कौन सा सर? g ऑफ f। इसी g ऑफ f को दूसरे स्टाइल में लिखते हैं g ऑफ fx भी, इसी को दूसरे स्टाइल में लिखते हैं हम लोग g ऑफ, इस तरह से fx लिख दिया। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, ठीक है? यस, ध्यान रखना आपको। तो कुछ बच्चे पूछेंगे कि क्या सर हम लोग f ऑफ g भी डिफाइन कर सकते हैं? यस, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमारा होना चाहिए कि इसका जो आउटपुट निकल करके आ रहा है, जिसमें जा रहा है, देखो यहां उसका डोमेन का पार्ट होना चाहिए। fx कौन है सर? आउटपुट है। किसका आउटपुट है? f का। कहां जा रहा है? g के अंदर में। इसका मतलब g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तब जाकर के कैसा फंक्शन मिलता है? g ऑफ fx। जो फंक्शन मिलता है, देखो g ऑफ fx फंक्शन मिला है, g से स्टार्ट हुआ है तो g वाला को बाद में रखा गया। देखो लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, g को बाद में लिखा गया, जो अंदर में है उस फंक्शन को पहले लिखा गया है। तो जब इसके इसका जो मैपिंग होगा वो कहां से कहां होगा? a से लेकर के c में, a से लेकर के कहां होगा सर? c में होगा, ठीक है सर? यस। तो कॉपी कर लेंगे इसे, a से लेकर के c तक न्यू मैपिंग बन गया आपके पास में, a से लेकर के c में, दिस इज hx। कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा सर समझ में। चलिए एक सेट लिखते हैं, ये सेट आपके पास में गिवन है। लेट अस सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3। यस, क्वेश्चन आपके पास में गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू आपके पास में है 4, 5 एंड सेट c इज इक्वल टू 7, 8, 9 और आपके पास में गिवन है एंड f इज मैप्स फ्रॉम a टू b एंड g जो है मैप्स फ्रॉम b टू c such that कुछ गिवन है आपके पास कि f of 1 is equals to 4, f of 2 is equals to 4, f of 3 is equals to 5, g of 4 is equals to 8, g of 5 is equals to 9, then g of f क्या होगा? g of f बताएं, ठीक है सर? यस, बिल्कुल सिंपल सा सेट बना लो फटाफट। देखो ये क्या है, a सेट बना लिया हमने, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? दिस इज 1 2 3। दूसरा सेट बना लिया मैंने b, यस b, b में कौन कौन से एलिमेंट है? 4 और 5, सही सर। चलिए एक और सेट है मेरे पास में c, इस सेट को बना लिया, इसमें है आपके पास में 7 8 और आपके पास में 9, ठीक है सर? यस। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक फंक्शन है a से b में, दिस इज फंक्शन, यहां से a से b में कौन सा फंक्शन है? f। अब देखो कुछ हमारे पास में गिवन है, दूसरा फंक्शन है b से c में, हाँ यहां से यहां तक में c में फंक्शन है मेरे पास में g, ठीक है सर? यस, g वाला बाद में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। कुछ हमें रिजल्ट और दिया हुआ है, f of 1 is equals to 4, हाँ अगर x की वैल्यू 1 डाला तो मेरे पास में क्या मिला सर? 4 मिला, हाँ ये आउटपुट। f of 2 is equals to 4, इसके भी मेरे पास में 4 ही मिला। f of 3 is equals to 5, यस इसके भी ये मिला, ये मिला 5। अब बात करते हैं दूसरा, g of 4, ये जो इनपुट है इसमें मुझे आउटपुट मिल रहा है 8, g of 5 में आंसर मिल रहा है मुझे 9 और है, हाँ तब जाकर के कह रहा है कि g of 3 फाइंड आउट करो, सही सर? यस, बिल्कुल सिंपल सी बात, जो भी लिखा हुआ है इसको लिखते हैं थोड़ा सा कि f of a की वैल्यू 4, f of 2 की वैल्यू 4 है ना, यस। तो g of f क्या होगा समझते हैं यहां से। तो g of f का मतलब है कि g of f कहां से कहां, जी पहले है लिखा हो, इसका मतलब इसको बाद में लिखा गया, देखो बाद में लिखा गया, जो डाला गया है वो पहले लिखा हुआ है। तो g of f कहां से डिफाइन होगा? 1 से लेकर के c में, हां इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम a टू c, ये लिखना जरूरी है। और ध्यान रखना है कि जो f का आउटपुट है, f का आउटपुट आपके पास में g के डोमेन से बिलोंग कर रहा है, यस। f का आउटपुट क्या-क्या है? 4 और 5 g के डोमेन में है, यस yes है, इसका मतलब अब जाकर के g ऑफ f डिफाइंड होगा। तो यहां से मैं आपको लिख दूंगा कि हियर रेंज ऑफ, है ना, रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ d,
domain of G. Therefore, G of F will define. G of F will define. ठीक है सर? Yes. अगर मेरे पास में इस तरह से दे रखा है A से C, B से C कुछ इस तरह से. अब क्या करना है? G of F find out करना है. तो G of F का मतलब है कि सर G of Fx. G of Fx का मतलब है कि G में इसको इस तरह से लिखो Fx लिखो. इनपुट क्या है इसमें? इनपुट मेरे पास में x, x वाला कहां से बिलोंग कर रहा है? a से बिलोंग कर रहा है. तो मैं यहां से लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू आपके पास में a. तो कौन कौन है x में? 1, 2, 3. सही है सर, x की जगह पर 1, 2, 3. तो यहां पे पुट करते हैं. तो मैंने कहा कि सर आपके पास में कि g of f1 क्या होगा बच्चों? g of f1 का मतलब है आपके पास में कि g of f1 इस तरह से. f1 की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास? f1 की वैल्यू है 4. तो यहां से मैं लिखूंगा कि g of 4 और g of 4 की वैल्यू किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है. यस, इसका मतलब है कि g of f of 1 is equals to 8. नेक्स्ट की बात करते हैं यहां से. इज इट विजिबल हियर? नेक्स्ट की बात करूंगा. मैंने कहा कि सर x is equals to, अगर मैंने 2 पुट करा तो g of f2 is equals to g of f of 2 एंड f of 2 की वैल्यू किसके इक्वल है? 4 के इक्वल में. अगेन g of 4 is equals to 8. नेक्स्ट की बात करते हैं. x की जगह पर हम लोग 3 पुट करेंगे. अगर यहां पर x की जगह पर 3 पुट किया जाए तो देखो क्या होगा. x is equals to 3. if x is equals to 3 then g of f3 is equals to g of f of 3 और g of f of 3 को क्या कहेंगे? 5. तो ये है आपके पास में g of 5 और g 5 की वैल्यू किसके इक्वल में? 9 के इक्वल. तो आंसर मेरे पास में आ गया. सही है सर, g of f हमने कैलकुलेट कर लिया 8 8, उसके बाद में क्या सर? 9 आपके पास. ठीक है सर. यस yes. तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर सेट के फॉर्मेट, क्योंकि ये सेट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो उसको भी सेट के फॉर्मेट में लिखते हैं. देखेंगे कि सर g of f को मैं सेट के फॉर्मेट में लिखूंगा. इनपुट डाला मैंने 1, आउटपुट क्या निकल गया? 8 निकल गया. दिस इज 1, 8. इनपुट डाला मैंने 2, तो आउटपुट निकल कर गया है 8. इनपुट मैंने डाला 3, आउटपुट निकल कर गया है मेरे पास में 9. यहां से भी देख सकते हैं, इनपुट 1 पे आउटपुट 8, 2 पे आउटपुट 8, 3 पे आउटपुट 9. ठीक है सर, दिस इज आवर आंसर और इसको मैंने क्लोज कर दिया. तो ये हो गया आपके पास में कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. आइए, क्वेश्चन आपके पास में गिवन है कि सर फंक्शन f इज डिफाइंड, f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. यस, एंड fx इज sin x. अनदर फंक्शन g इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड gx इज x स्क्वायर. देन g ऑफ f एंड f ऑफ g विल बी ये for और of. yes, ठीक है सर. yes, देखें यहां से. first of all कह रहा है इस question में कि g of f के बारे में बताएं, फिर से कह रहा है f of g. तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो मुझे पूछ रहा है क्या वो define है भी या नहीं. तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं. किसके साथ? g of f को चेक करूंगा. g of f का मतलब है कि g में इस तरह से fx को रखना. अब fx को रखा गया g के अंदर, इसका मतलब fx का रेंज. सही सर, fx का रेंज. तो fx का रेंज किसका डोमेन होना चाहिए? g का डोमेन. तो रेंज ऑफ fx शुड बी सबसेट ऑफ, शुड बी इक्वल्स टू सबसेट ऑफ आपके पास में डोमेन ऑफ g. तो fx का रेंज क्या होगा? fx कौन है? sin. साइन की वैल्यू कहां से कहां तक में? माइनस वन से वन तक में. तो यहां से रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ एफ एक्स यानी कि आपके पास में साइन एक्स क्या होगा मेरे पास में सर? माइनस वन से लेकर के वन के बीच में, ये रेंज है. अब ये किसका सबसेट होना चाहिए? जी के डोमेन का. तो जी का डोमेन क्या है? आर, रियल नंबर. यस, इट इज द सबसेट ऑफ आपके पास में रियल नंबर. और रियल नंबर ये किसका डोमेन है? दिस इज द डोमेन ऑफ रियल नंबर. हियर इज द डोमेन ऑफ आपके पास में डोमेन ऑफ जीएक्स का डोमेन. अब डिफाइन होगा मेरे पास, देयरफॉर जी ऑफ एफ विल डिफाइन
will define, है ना, ये मेरे पास में define होगा, इसे exist करेगा ये। अगर g of f exist कर रहा है तो ये कहां से कहां exist करेगा? तो देखो क्या करेंगे, g of f ये कहां से कहां exist करेगा, जो बाद में है ना उसका पहला वाला पकड़ लो, जो पहले है उसका बाद वाला ले लिया, this is real number से real number में define होगा। तो g of f will define from real number to real number, ध्यान रखना, this is very very important, बच्चे इसे ignore करके चलते हैं, ठीक है, और question में जाकर के फंस जाते हैं बाद में। तो आइए g of f calculate करते हैं। g of f का मतलब है आपके पास में g में x की जगह पर fx put करना, है ना, yes, x की जगह पर fx, तो g में x कौन है, x यहाँ पे, इस x की जगह पर fx रखेंगे, हाँ, देखो क्या होगा, x की जगह पर fx, this is fx का whole square, और fx कौन है, sin x, so this can be written as sin x whole square, and this is g of f, सही है सर, yes, next question की बात करते हैं हम लोग, next में कह रहा है आपके पास में कि f of g find out करो, तो चेक कर लेते हैं कि f of g defined है या नहीं है, for f of g, क्या होना चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखूंगा मैं कि सर g of आपके पास में f of gx, gx का जो आउटपुट होना चाहिए fx के डोमेन के सबसेट में होना चाहिए, तो सर आउटपुट ऑफ gx की बात करूंगा, तो आउटपुट मींस रेंज, रेंज ऑफ gx मस्ट बी सबसेट ऑफ, लिख देता हूं, मस्ट बी सबसेट ऑफ आपके पास में डोमेन ऑफ fx, तो इसका सबसेट क्या है, रेंज क्या होगा gx का, gx के रेंज में देखो x स्क्वायर है, तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, तो 0 से लेकर के सारे पॉजिटिव नंबर भी होंगे इसके केस में, ठीक है सर, यस, इसका मतलब ये है कि gx का जो रेंज होगा, रेंज क्या आपके पास में 0 से लेकर के इनफिनिट तक पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू, सही सर, ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास मिलेगी। अच्छा, क्या ये सबसेट है, क्या किसका सर, fx का डोमेन, fx का डोमेन है रियल नंबर, यस, इसका सबसेट है रियल नंबर का, इट मींस f ऑफ gx इज डिफाइंड, देयरफॉर f ऑफ g इज डिफाइंड, f ऑफ g इज डिफाइंड, अगर f ऑफ g डिफाइंड है तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ चलो इसको लिख करके देखते हैं, f of g of x, क्या मतलब हुआ बच्चों, कि f फंक्शन में, f के अंदर में, अंदर में कौन रहता है, x, x की जगह पर gx रखो, ठीक है सर, f में x की जगह पर gx रखो, तो x की जगह पर gx रखूंगा, f कौन है, sin है, sin में x की जगह पर क्या रखूंगा बच्चों, gx रखूंगा, अब रख दो यहां पे सर sin, gx कौन है, gx is equal to x square, तो g of x is equal to x square, and this is sine of x square, तो ये भी फंक्शन मेरे पास आ गया, तो दोनों फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया, क्या ये बताओ कि both are same, no, both are not same, f of g and g of f both are not same, ठीक है सर, ये जरूरी नहीं है कि सेम ही हो आपके पास में, सही सर, यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग, यहां पे मैं आपको लिख करके लिख भी देते हैं, here f of g not equals to g of f, बच्चे समझ लेते हैं कि दोनों सेम ही हो, नो सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx is defined from natural number to integer, and fx दे रखा है आपके पास में 2x, fx is 2x, and g is defined from integer to rational number, and gx is given as 1 plus x divided by 2, gx is given as this, then f of g and g of f will be, क्या होगा? तो सबसे पहली बात क्या फाइंड आउट करना है, f of g, तो f of g को डिफाइन करेंगे कि f of g डिफाइन है या नहीं है, चेक करेंगे सर, तो फॉर f of g का मतलब आपके पास में f में x की जगह पर gx डालो, सर आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, बट आंसर निकालने से पहले चेक करेंगे,
इट इज डिफाइंड और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या मतलब है बच्चों कि GX का रेंज इसका क्या होना चाहिए, डोमेन का सबसेट होना चाहिए. तो GX के रेंज को पकड़ते हैं. GX का रेंज क्या होगा देखो, 1 plus x divided by 2. X की कोई भी वैल्यू पुट करो GX का आंसर मिलेगा मुझे. X में कोई भी रियल वैल्यू पुट करो GX मिलेगा. इसका मतलब GX का रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर मेरे पास. GX का रेंज क्या है मेरे पास में, रियल नंबर में आ रहा हमारे पास. सही सर, यस. तो लेकिन ये भी देखेंगे हम कि ये जो आपके पास में x है वो x क्या है, x में हम क्या पुट कर सकते हैं. तो देखो x कहां से आया हमारे पास, x में क्या पुट करेंगे यहां से सर, नेचुरल नंबर की बात कर रखा है. सही सर, एक चीज नॉर्मल देखते हैं यहां से. f of g का मतलब आपके पास में कि gx का देखो इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट का gx में क्या है सर, रैशनल नंबर है ना. यस, रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ, इसका डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, नो है ना. आप नॉर्मल चेक कर लो यहां पर, अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूं, अगर x की जगह पर 1 पुट करूंगा तो g 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2. इसका मतलब यहां पर आया 1/2. क्या f में 1/2 पुट कर सकते हैं, नो. क्यों, क्योंकि x की जगह पर आपको नेचुरल नंबर ही लेना है. हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि सर gx का जो रेंज है, range of gx जो है not the subset of domain of fx. fx के domain में क्या आना चाहिए मेरे पास में, fx के domain में natural number ही आना चाहिए. ठीक है सर, yes. इसका मतलब है कि f of g will not exist. सही सर, yes. ये जो direct answer निकाल दिया. नेक्स्ट बात करते हैं g ऑफ f के बारे में. फॉर g ऑफ f, g ऑफ f का क्या मतलब है कि g में x की जगह पर fx पुट करना. इसका मतलब है fx का आउटपुट, fx का आउटपुट क्या होगा, चेक करो fx का आउटपुट x की जगह पर 1 पुट करोगे तो 2. सही सर, 2 पुट करा तो 4, 3 पुट करा तो 6. तो ये जो नंबर मिल रहा है मेरे पास में 2 4 6, ये जो आउटपुट है fx का, ये किसका डोमेन का सबसेट होना चाहिए, जी के डोमेन. जी का डोमेन क्या है सर, इंटीजर z. तो ये सारे इंटीजर है, यस. इसका मतलब इट इज डिफाइंड. तो यहां से मैं कहूंगा कि रेंज ऑफ आपके पास में, रेंज ऑफ fx इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx. अब जाकर के मेरे पास में g ऑफ fx डिफाइंड होगा. अगर g ऑफ fx डिफाइंड है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसे, इसे हम लोग लिखेंगे कि g of fx, this is g of fx, this can be written as g में x की जगह पर fx पुट करेंगे. g में x की जगह पर fx, yes. तो g function क्या है वो लिखते हैं और x की जगह पर fx रखेंगे, ध्यान रखेंगे x की जगह पर fx divided by 2. अब देख लो 1 plus fx कौन है, fx से 2x, this is 1 plus 2x divided by 2 and this is our g of f. ठीक है सर, yes. इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं और फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं. सही है सर, yes. ध्यान रखें अगर लिखना होगा तो लिख लेना, कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो नोन एज, नोट करके लिख लेना, दिस इज कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो नोन एज फंक्शन ऑफ फंक्शन. ठीक है, जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, तब जाकर के फंक्शन ऑफ फंक्शंस का भी यूज करेंगे. ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Let fx is equal to sin x. Let fx is equal to sin x. उसके बाद में है gx is equal to आपके पास में square root of 1 minus x, and then कह रहा है आपके पास में find g of f, f of g, and f of fx. Yes, and f of fx calculate करना है.
ठीक है सर? यस। अब देखते हैं यहां से, फर्स्ट क्या कह रहा है जी ऑफ एफ के बारे में। तो जी ऑफ एफ में ऐसे लिखते हैं, फॉर जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ का मतलब है जी एफ एक्स। इसका मतलब है कि एफ एक्स का जो रेंज होगा, है ना, यस, इट विल बी डिफाइंड ऑनली वेन, ठीक है, इट विल बी डिफाइंड ऑनली वेन। कब डिफाइन होगा सर? रेंज ऑफ एफ एक्स इज द सबसेट ऑफ आपके पास में जी एक्स, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स। यस, इसका मतलब मुझे रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा एफ एक्स का, यस, और डोमेन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा जी एक्स का, यस सर। आइए बात कर लेते हैं एफ एक्स का रेंज फाइंड आउट करते हैं। एफ एक्स में है साइन एक्स, तो रेंज ऑफ एफ एक्स का मतलब है रेंज ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? माइनस वन से आपके पास में साइन एक्स की वैल्यू वन के बीच में, इसका मतलब माइनस वन से वन के बीच में ये नंबर क्या जी एक्स के डोमेन का सबसेट है? तो जिसके डोमेन को चेक करते हैं, तो जी का डोमेन क्या होगा मेरे पास? चेक करो जी का डोमेन, जी का डोमेन एग्जिस्ट करेगा आपके पास में तो वन माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सही है? Yes, it means कि x must be less than one. x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, सही है सर? x की वैल्यू 1 से छोटी मतलब कुछ भी ले लो 1 से छोटी और 1 के भी इक्वल, यस, तो 1 से छोटा लेना है तो ये जो नंबर है माइनस 1 से 1 के बीच में 1 से छोटा के बीच में है, हाँ, 1 से ग्रेटर है ही नहीं इसकी वैल्यू sin x की, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं इट इज द सबसेट ऑफ, यहां से कह सकते हैं माइनस वन टू वन, यहां पर मैं लिखूंगा दिस इज माइनस वन टू वन जो आपके पास में है सबसेट है, सॉरी नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट किसका है सर? इट इज द सबसेट ऑफ आपके पास में माइनस इनफाइनाइट टू वन, माइनस इनफाइनाइट टू वन। देयरफॉर कौन सा? जी ऑफ एफ विल एग्जिस्ट, सही सर? यस, देयरफॉर जी ऑफ एफ विल एग्जिस्ट। अब यहां से पता चला एग्जिस्ट है, अब एग्जिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों? देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जी ऑफ एफ एक्स, क्या मतलब है कि जी के अंदर में कौन? एक्स, एक्स की जगह पर क्या रखा गया? एफ एक्स। तो चलो जी को, जी कौन है? स्क्वायर रूट। जब तक एक्स की जगह पे नहीं पहुंचेंगे तब तक लिखते रहेंगे, यस, वन माइनस एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर कौन? एफ एक्स। अब पुट कर लो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एफ एक्स कौन है? दिस इज साइन एक्स and this is our answer, ठीक है बच्चों? Yes. Next question की बात करेंगे f of g के बारे में बात करते हैं। f of g क्या होगा? यहां से लिखेंगे for f of g के लिए f of g को क्या लिख सकते हैं? इसे f of g can be written as f of g of x। इसका मतलब है कि gx का जो रेंज होगा fx के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तो ये लिख लूंगा इट विल बी डिफाइंड, यस, f ऑफ g विल डिफाइन व्हेन रेंज ऑफ gx इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ fx के डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। तो gx का रेंज क्या होगा? चलिए gx को चेक करते हैं। gx क्या है? ये इसका रेंज, रेंज का मतलब इसकी वैल्यू, x की वैल्यू पुट करने के बाद में इसकी वैल्यू कहां तक लाए करेगी? तो देखो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, सही सर? इसका मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, तो इसका डोमेन जो रेंज जो हुआ ऑल पॉजिटिव नंबर, यस, पॉजिटिव नंबर। अब fx का डोमेन देखो, fx का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। साइन एक्स में कुछ भी डाल सकते हैं एक्स की जगह पर, ऑल रियल नंबर। इसका मतलब है कि ये ट्रू है आपके पास। अगर ये ट्रू है तो एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, सही है सर? यस, हर एक चीज को मैं नहीं लिख रहा हूं, बस समझना आपने। तो एफ ऑफ जी एक्स का क्या मतलब है बच्चों? कि एफ एक्स में एक्स की जगह पर क्या रखो? जी एक्स लिखो। तो एफ एक्स स्टार्ट करो, क्या है ये? एफ एक्स क्या है हमारे पास में? साइन, यस। जब तक एक्स नहीं आएगा तब तक चलते रहेंगे। एक्स आ गया, x की जगह पर क्या रखना है हमें? gx रखना है। तो क्या होगा इसे देखो, sin of gx, gx कौन है? square root of 1 minus x, and this is our function, ठीक है? This is our g of
सॉरी एफ ऑफ जी एक्स, कॉपी कर लेंगे इसे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, एफ ऑफ एफ एक्स, ओ मैंने मिटा दिया यहां से, चलो देखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स था आपके पास में साइन एक्स, यस वेरी सिंपल, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, हाँ एफ एक्स का रेंज माइनस वन से वन के बीच में, इसके डोमेन में लाई कर रहा है, यस लाई कर रहा है, तो निकाल लेते हैं एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि साइन ऑफ आपके पास में साइन एक्स, एक्स की जगह पर एफ एक्स रख दिया, बिल्कुल सिंपल था सर, ठीक है, यस। आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग, अगर g ऑफ gx फाइंड आउट करना हो आपको, g ऑफ gx क्या होगा, किसी ने कह दिया कि सर g ऑफ gx निकालो, तो ये भी क्या होगा आपके पास, x की जगह पर gx रखना है ना, तो gx क्या था आपके पास में, देखो मैंने मिटा दिया, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, 1 माइनस x की जगह पर क्या रखूंगा, gx, gx कौन है, यही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस हमारे पास में कितना है सर, x है, दिस इज द g ऑफ x, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है सर, यस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कह रहा है आपके पास में इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एक्स, देन देन एफ ऑफ एफ एक्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है, यस आइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, एफ एक्स दे रखा है वन अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है, ओके कैसे फाइंड आउट करें बच्चों, देखो ये एफ है मेरे पास में और इस एफ के अंदर में ये डाला गया है, इसका मतलब चलो ये पहले कैलकुलेट कर देते हैं, ये क्या है f ऑफ एफ एक्स, तो f ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो f ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, f में x की जगह पर एफ एक्स रखना है, बिल्कुल सिंपल सा, क्या होगा मेरे पास में यहां से, हाँ जैसे ही मैंने एफ एक्स देखा एक चीज याद आई कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स को देख करके पता चला कि x में वन नहीं रख सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसे, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं f ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब है एफ एक्स में x की जगह पर एफ एक्स वन अपॉन वन माइनस x पहुंच गया, x की जगह पर एफ एक्स पुट करें, चलो एफ एक्स पुट करते हैं, वन डिवाइड बाय वन माइनस व्हाट इज एफ एक्स, ये ही सेम, तो वन डिवाइड बाय वन माइनस x, हाउ विल यू सॉल्व दिस सर, बिल्कुल सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, अगर एलसीएम लूंगा तो ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा, दिस कैन बी वन माइनस x, इसे सॉल्व करूंगा, दिस इज 1 माइनस एक्स माइनस वन, तो देखो क्या होगा कि 1 से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास दिस इज 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस ऑफ एक्स, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, सही सर, इसको और सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, वेरी सिंपल है ना, यस इतना आ गया हमारे पास, अच्छा ये निकल के आया हमारे पास में एफ ऑफ एफ एक्स, सही है सर, ये कौन आया मेरे पास f ऑफ आपके पास में f ऑफ x, बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस पूरे को उठा करके ले करके fx में रखना है x की जगह, आइए कॉपी कर लेंगे फटाफट, इस कंडीशन में देखो यहां पे जो भी लिखा हुआ है इसमें क्या कहोगे कि ये जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x नॉट इक्वल्स टू आपके पास में जीरो, x की वैल्यू जीरो भी नहीं होनी चाहिए, कौन सा f ऑफ x के लिए, f ऑफ एफ एक्स के लिए, आइए आगे बढ़ते हैं, यहां से ऊपर मिटाता हूं मैं, अब मैं बात करूंगा f ऑफ एक्स, f ऑफ एफ एक्स, ये पूरा का पूरा पुट करने वाले हैं, ये कौन है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, कहां पे सर एफ एक्स में, x की जगह पर, तो एफ एक्स लिखना स्टार्ट करेंगे, जब तक खत्म x नहीं आएगा तब तक लिखते रहेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस x आ गया, और x की जगह पर क्या रखो सर f ऑफ x,
सो आई एम गोइंग टू पुट दैट, चलो इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है सर? यस, सो यहां पर हम लोग लिखेंगे दिस इज x माइनस 1 डिवाइड बाय आपके पास में x, सिंपल सा लिख दिया, सही है सर? यस, हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते थे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो ये क्या होगा, अगर एलसीएम लेंगे तो ये x ऊपर जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय x माइनस x प्लस 1, सो दिस विल बी x, क्या आया मेरे पास x इक्वल में है, सही सर? हाँ, x इक्वल में, लेकिन x की जगह पर दो चीज नहीं होगी, एक तो मेरे पास है x इक्वल टू 0, दूसरा मेरे पास में x इक्वल टू 1, दोनों वैल्यू मेरे पास में नहीं है, सही सर? ध्यान रखना, तो कह रखा था इसका ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, तो y इक्वल टू x का ग्राफ आता है ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ कर लेंगे, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, लेकिन कंडीशन क्या था मेरे पास में, दो कंडीशन हमारे पास में था, सही सर? यस, तो ग्राफ ऑफ बात करूंगा, ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू आपके पास में x है, तो दिस इज y इक्वल टू x है मेरे पास, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, y इक्वल टू x, ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, लेकिन कहा इसने कि x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 नहीं होगी, हां x की वैल्यू 0 नहीं होगी, यहां पे ये ओपन होगा, x की वैल्यू 0 नहीं तो इस पे x 0 पर भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है? x इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, x इक्वल टू 1 पे जो आउटपुट आया वहां पे भी मैं क्या करूंगा सर, बबल करूंगा, क्योंकि फंक्शन वहां पे डिफाइंड नहीं था, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ f(x), सही है सर? ध्यान रखेंगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कॉपी कर लेंगे इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो मिटा देता हूं मैं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, फाइंड, कह रहे कि फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड g इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, fx is equal to cos x, fx is equal to cos x and gx is equal to आपके पास में 3x square, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन सर, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना? यस, g ऑफ f, f ऑफ g, फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, पुट कर सकते हैं सर यहां से, हां पहले चेक कर लेते हैं डिफाइंड है या नहीं है, हां सर डिफाइंड होगा, देखो यहां पे रियल नंबर, तो ये डिफाइंड होगा मेरे पास में फंक्शन, ठीक है सर? यस, तो आप पुट कर लेना, क्या फाइंड आउट करना है, g ऑफ f का मतलब है g में x की जगह पर fx पुट करना, g कौन है 3x स्क्वायर, दिस इज 3, x की जगह पर fx, दिस इज cos x रखा इसका होल स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 cos स्क्वायर x, नेक्स्ट की बात f ऑफ gx की बात कह रहा है, f ऑफ gx का मतलब है x में gx रखना, ठीक है सर? f में तो f क्या है cos x, दिस इज cos लिखा, gx क्या है, सो दिस कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर, Both are not same. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आइए उस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपको बताऊंगा कि सर आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि सर y equals to x is known as identity function, मतलब ये कि x की वैल्यू जो रखेंगे वही वैल्यू मेरे पास में y की भी वैल्यू, then it will be identity function, ठीक है? Yes. चलते हैं देखते हैं यहां से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, शो दैट फंक्शन रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7/5, यस टू रियल नंबर एक्सेप्ट आपके पास में 3/5 is defined by yes, कौन सा function है ये मेरे पास में f है, f का domain है ये पूरा का पूरा और ये codomain है, ध्यान रखना, और fx क्या given है, fx is defined by fx is equal to 3x plus 4 divided by 5x minus 7 and g जो defined है मेरे पास में, g is defined from real number except आपके पास में 3/5,
माइनस और कह रहा है रियल नंबर, हाँ यहां से लेकर के रियल नंबर एक्सेप्ट कह रहा है आपके पास में 7/5 और g को डिफाइन कर रखा है gx is equals to this is 7x plus 4 divided by 3x minus 5 yes sorry 5x minus 3 this is 5x minus 3 तो कह रहा है then g of f is equals to ia हाँ इसे समझेंगे उसके बाद कह रहा है कि सर sorry g of f is equals to ib and f of g is equals to आपके पास में ia where a जो आपके पास में है yes where a हाँ a दे रखा है where a जो है a is equals to real number except 3/5 और b जो दे रखा है आपके पास में real number except आपके पास में 7/5 ठीक है सर yes और ia है identity function ये भी लिखा हुआ आपके पास में ia x is equals to आपके पास में x x for all x belongs to a ठीक है ib function of x is equals to x for all x belongs to b called identity function of a and b ia को कहते हैं identity function of a सब कुछ लिख करके दे दिया इसने identity function of a and b is the identity function of b identity function of b यहां पे क्या कहता है इसे समझेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं यहां से यस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ f तो सर g ऑफ f को चेक करते हैं हम लोग g ऑफ f का मतलब है g में x की जगह पर fx को पुट करना सही है सर यस मुझे शो करना है तो शो करना है तो ये कहां से कहां डिफाइन होगा देखो जी पहले आया है इसका मतलब है कि जी बाद में लिखेंगे सही है सर यस आपको दिखाया था एफ और आपके पास में जी यहां पे एक डब्बा ये डब्बा है ना यस अब देखो ये जो लिखा हुआ है आर माइनस 7/5 ये कौन है आर माइनस 7/5 ये बी है यस इसका मतलब एफ जो डिफाइंड है बी से लेकर के सी में बी से लेकर के ए में हाँ ये ए है और जी जो डिफाइंड है यस ये कौन है आपके पास में ए से लेकर के आपके पास में बी है तो जी ऑफ एफ जो डिफाइन होगा दोनों में देखो ये कॉमन है तो बी से लेकर के बी में डिफाइन होगा यस तो जी ऑफ एफ एक्स विल डिफाइन फ्रॉम बी टू बी दिखा क्या आपको बी से लेकर के बी में ध्यान रखना जो फंक्शन है यहां पे बाहर में जो फंक्शन जो एक चीज देखो जो अंदर में है उसका पहले वाला उठा लो जो बाहर में उसका बाद वाला ले ठीक है सर वहां से वहां जो अंदर में है यस ये डिफाइन होगा आपके पास में इसका पहला वाला जो अंदर में उसका पहला वाला कौन है बी से लेकर के जो बाहर है उसका बाद वाला क्या बी से बी में डिफाइन होगा तो ध्यान रखना आपको यस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा तो जी में एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स पुट करना है तो जी फंक्शन लिखो एक्स मिले तो एफ एक्स लिखेंगे g कहां पे है g फंक्शन यहां पे सो दिस कैन बी रिटन एज 7 x की जगह पर क्या लिखना है fx लिखना है चलो थोड़ी देर के लिए fx लिख दिया प्लस 4 डिवाइड बाय 5 x की जगह पर fx लिखना है माइनस 3 चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं आपके पास में होगा 7 x की जगह पर fx कौन है बच्चों fx मेरे पास में गिवन है दिस इज 3x plus 4 डिवाइडेड बाय 5x minus 7 plus 4 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज 5 fx में यही रखूंगा दिस इज 3x plus 4 डिवाइड बाय 5x minus 7 minus of 3 सही है आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं देख रहे हैं यहां से मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं आप भी देखो डायरेक्ट लिखो इसके एलसीएम में क्या 5x minus 7 इसके एलसीएम में भी क्या 5x minus 7 और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है अब यहां पे देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ ठीक है तो क्या होगा अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x plus 4 plus 20x क्या मिलेगा मेरे पास में plus 20x तो मैं लिख रहा हूं 20x 7 minus 4 minus 28 चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 minus 7 plus 3x 7 into 3x this is 21x 7 plus 7 into plus 4 this will be plus 28 देखो 28 से ये कट गया और होल डिवाइड बाय वो कट जाएगा मेरे पास में चलो इसको लिखते हैं 5x into minus 3 this is minus 15x
माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री दिस विल बी प्लस 21, इसको मल्टीप्लाई करो 15x 5 इंटू 4 प्लस 20। देखो यहां से 15x से 15x कटा, ये 20, मैंने कुछ गलत लिखा यहां से, क्या 5 प्लस 4 आपके पास में 20 एंड दिस इज अगेन 7 इंटू 3 21 आपके पास में, यस कुछ मैंने ज्यादा लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से ऊपर में क्या बचा है मेरे पास, इन दोनों को ऐड करो तो ये होगा आपके पास में 141x और ये भी ऐड करने के बाद में 41, तो 41 से 41 कैंसिल आउट हो गया, बच गया मेरे पास x। x कौन है? आइडेंटिटी फंक्शन, इसको हम लोग i लिखेंगे। अब देखो g ऑफ f निकाला मैंने, तो g ऑफ f कहां से कहां में डिफाइन है, b से b में, इसलिए इसको कह दिया गया ib, क्या कह दिया सर ib। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या f ऑफ gx, f ऑफ gx निकालेंगे तो वो भी मेरे पास में क्या आएगा ia, वहां पे ia मिलेगा, ठीक है, यस। तो चलिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, हाँ इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, एक्चुअल में प्रॉपर्टीज हैं कंपोजिट फंक्शन के, तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, आइए बात करते हैं। ट्वेल्थ क्लास में बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन अगर जेई के लिए बात करोगे जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से इससे काफी आगे जाना पड़ेगा हमें, ठीक है बच्चों, यस। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है सर, यस आइए बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी सर, लेट्स सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता आपके पास में अगर एक फंक्शन है, एक फंक्शन fx और दूसरा फंक्शन gx है, अगर fx और gx दोनों 1-1 है, अगर मेरे पास में g of fx डिफाइंड हुआ तो g of fx भी क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा, इसे प्रूफ करके दिखाएं, यस। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास में कि एक फंक्शन f और दूसरा फंक्शन g, ये 1-1 है, ये भी 1-1 है, तब जाकर के अगर g of f डिफाइंड हुआ देन f of g of f will be also 1-1 फंक्शन, ठीक है सर, यस। तो मैं लिखता हूं इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी में f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, मैंने कहा इज 1-1, इज 1-1, ठीक है, यस। एक दूसरे फंक्शन को भी लिखता हूं g b से खत्म हुआ, चलो मैं b से स्टार्ट करके c लिख लेता हूं, इज आल्सो 1-1 एंड इज 1-1 एंड इतना इज आल्सो 1-1, इज आल्सो 1-1। अब क्या डिफाइन होगा दोनों में, देखो ये कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जो बाद में हो पहले, सही सर, तो g of f डिफाइन होगा, then g of f कहां से कहां में होगा सर, हाँ a से c में, a से c will also 1-1, हाँ चलो इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे सर, आइए बात करते हैं। दो फंक्शन मेरे पास में है, दोनों फंक्शन को उठाते हैं f और g, अगर मैंने f फंक्शन को लिया इट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, सही है, f में डोमेन में क्या है a और यहां पे आपके पास में b, मैंने कहा ये a है ये मेरे पास में b है, अब मैं इसमें कुछ इनपुट लूंगा, लेट अस सपोज मैंने कहा x1 x2 x3 बहुत सारे इनपुट है मेरे पास, ठीक है सर, यस। इसमें भी आउटपुट लेट अस सपोज मैंने कहा y1 y2 आपके पास में y3 इतना गिवन है, ठीक है, यस। 1-1 का मतलब आपके पास में ये दोनों, ये 1-1, ये 1-1 इस तरह से है ना, यस। अब मैं अगर f 1-1 फंक्शन है, इसका मतलब है कि f ऑफ आपके पास में x1 इज इक्वल्स टू x2, अगर ऐसा है तब जाकर के क्या होगा, मेरे पास में x1 और x2 भी इक्वल होंगे, है ना सर, ये मेरे पास में गिवन है ऑलरेडी कि 1-1 फंक्शन है, ठीक है, ये 1-1 फंक्शन मेरे पास में गिवन है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास में कि x1 x2 x3, अगर f of x1 is equals to f of x2 है, तो f of x1 is equals to y1, f of x2 will be equals to y2, अगर दोनों equal है y1 और y2, तो x1 और x2 को भी equal होना पड़ेगा 1-1 के लिए, तो ये मेरे पास में given है, ठीक है सर, yes। दूसरा function भी मेरे पास में given है, कौन सा, g, हाँ, तो मैंने कहा सर g of y1 is equals to आपके पास में g of y2 है, तो मेरे पास में y1 will be equals to y2, दोनों भी equal होंगे, क्यों, क्योंकि g भी 1-1 function है, तो किसको डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है g ऑफ f,
इसका मतलब है कि 4g ऑफ f लिखूंगा, 4g ऑफ f, g ऑफ f का मतलब है कि g ऑफ fx, हां इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका इनपुट देखो ना क्या है, f ऑफ x, इसका मतलब ये है कि g ऑफ fx 411 है ना, 411 411 क्या होना चाहिए, g ऑफ fx 1 है ना, x की जगह पर x1 रखूंगा, तो fx1 must be equals to g of fx2 के ऊपर होना चाहिए, होना चाहिए ना। अगर ऐसा है तो जो इसका इनपुट है वो भी इक्वल होना चाहिए। इसका इनपुट क्या है बच्चों, इसका इनपुट है x1 fx2, so fx1 is equals to fx2। क्या ये ऐसा है? हाँ है, देखो ना सर, यस है। अगर ये है x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए, यस, इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2। क्या ऐसा है? हां सर ऐसा है। कब? देखो मेरे पास में कितना है, x1 x2 है ट्रू, इसका मतलब ये भी ट्रू है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो मेरे पास में g ऑफ f इज आल्सो 11, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से लिख लेना कि देयरफॉर देयरफॉर g ऑफ f इज आल्सो 11, ठीक है, यस, दोनों क्या होंगे, 11 फंक्शन होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इतना कॉपी कर दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास में जो f फंक्शन है और g फंक्शन है दोनों मेरे पास में कैसा है, ऑनटू फंक्शन है, तो उन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी मेरे पास में ऑनटू फंक्शन होगा। तो आइए देखते हैं कि f defined from a to b and g is defined from b to c, then function g of f will also be onto function। तो कैसे करेंगे इसे proof? तो इसके लिए देखते हैं हम लोग कि कैसे करें। First of all एक set ले लेता हूँ, this is a, ये a है और दूसरा set मेरे पास में b, इस function का नाम दिया गया f, दूसरा मेरे पास में mapping है this is b and this is our c and ये mapping है b से c में, इसका नाम रखा है g, सही है सर? Yes। अब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन मेरे पास में ऑनटू फंक्शन है। ऑनटू फंक्शन का क्या मतलब हुआ, ऑनटू फंक्शन का मतलब है कि मेरे पास में अगर कोई भी इसमें एलिमेंट है, लेट अस सपोज ये x एलिमेंट है, इस b सेट में मेरे पास में y एलिमेंट है, तो जितने भी y एलिमेंट हैं, y में जितने भी एलिमेंट है b सेट में, जितने भी y हैं सभी का प्री इमेज होगा। अगर मैं इस फंक्शन को लिखूं कि दिस इज f ऑफ x इक्वल्स टू y, तो मैं कहूंगा कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, डिफरेंट डिफरेंट अगर y हो, y1 y2 y3 हो, देयर विल बी प्री इमेज इन सेट a। तो यहां पे लिखूंगा कि f इज ऑनटू, f इज ऑनटू का मतलब है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ, फॉर ईच वैल्यू ऑफ, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y है ना, देयर इज एन प्री इमेज, देयर इज एन प्री इमेज, देयर इज ए प्री इमेज, प्री इमेज इन a, सभी के लिए a में प्री इमेज है। इसका मतलब यह है कि रेंज इज इक्वल्स टू आपके पास में कोडोमेन होगा, रेंज किसके इक्वल में होगा, कोडोमेन इक्वल में। सिमिलरली यहां पे भी हम लोग बात कर सकते हैं कि g of इसमें क्या डालूं कि मेरे पास में इसका एलिमेंट आ जाए, तो इसका एलिमेंट को मैंने कहा z है और b के एलिमेंट में मेरे पास में y है, तो मैंने कहा कि g of y इक्वल्स टू मेरे पास में z। तो g कैसा फंक्शन है, onto function, तो क्या कह सकते हैं इसमें, तो मैं कहूंगा कि g is onto function है ना, g is onto function, so each value of, for each value of z, for each element of z है ना, element of z, there will be pre-image a का इनपुट क्या है x, आउटपुट c से c का इनपुट क्या है z, इसका मतलब है कि z के सभी एलिमेंट का
प्री इमेज ए में होगा, तो जेड का ए के साथ में रिलेशन, एक्स के साथ में रिलेशन। तो इसको भी देख लेते हैं कि क्या लिखा होगा। अगर इसको एक्सप्लेन करें आप इसको, तो दिस इज एफ ऑफ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, चलो इसको लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, y इक्वल में जी ऑफ y, और जी ऑफ y किसके इक्वल में, z इक्वल में, z इक्वल में। तो देखो आउटपुट मेरे पास में क्या मिला, z, और इनपुट में क्या है मेरे पास, x। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ z हम लोग कह सकते हैं देयर इज प्री इमेज इन सेट a। a में मेरे पास में क्या है, देखो x कहां से बिलोंग कर रहा है, a से। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सभी का प्री इमेज होगा ए में। सो जी ऑफ एफ इज ऑनटू फंक्शन। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर यहां से मिटा देता हूं कि ये कह रहा है आपके पास में इट रिजल्ट, इट मींस दैट, इट मींस दैट, इट मींस दैट ईच वैल्यू ऑफ, ईच वैल्यू ऑफ, ईच वैल्यू ऑफ जेड देयर विल बी pre-image in A, A में pre-image है, therefore यहाँ से कहेंगे therefore g of f is onto, g of f क्या हो गया, onto function हो गया। थोड़ी देर पहले हमने proof किया था कि g of f जो था 1-1 भी था, अगर f और g दोनों 1-1 हो, अगर दोनों को combine कर दिया जाए कि f मेरे पास में 1-1 भी हो और onto function भी हो, और g भी 1-1 फंक्शन भी हो और onto फंक्शन भी हो, तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा g ऑफ f अगर डिफाइन है तब जाकर के वो भी क्या होगा, 1-1 onto। सर 1-1 onto फंक्शन को क्या कहते हैं, हाँ एक स्पेशल नाम होता है बाइसेक्टिव फंक्शन। हाँ इट मींस इफ वन फंक्शन f इज बाइसेक्टिव एंड अनदर फंक्शन g इज आल्सो बाइसेक्टिव, इफ देयर कंपोजिशन is defined, then their composition will also be a bisective function, है ना? तो next property लिखते हैं, ये same चीज़ जो मैंने आपको कहा, कि चलो यहाँ से मैं लिखूँगा, इसे बता दिया सर, चलो, f defined है a से b में और g defined है b से c में is 1-1 onto function, is 1-1 onto, 1-1 onto का क्या मतलब है? Bisective, ठीक है? Yes, bisective भी आपके पास है, bisective। R by R 1-1 onto, then G of F will also 1-1 onto। 1-1 का onto का मतलब है bijective। इसका मतलब है कि composite function of two bijective functions will be bijective function। तो यहां से ये भी कह सकते हैं कि composition of bijection is also bisective या bisection, तो ये भी लिख सकते हैं, और इसको ये भी लिख सकता है कि composition of bisective या फिर bijection is also bijection, ठीक है सर? Yes, और इसे हमने separate करके अलग अलग करके पढ़ा, अब दोनों combine करने के एक साथ में तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसे proof कर देंगे, ठीक है? Yes, अभी प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हमने देख लिया दोनों को कंबाइंड कर लेंगे यहां पे, सही है सर? यस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड तो ये था, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे कि सर कंपोजिट फंक्शन हम लोग ये निकाल रहे हैं कि जी ऑफ एफ निकाला और हम लोग एफ ऑफ जी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो इसी हम लोग कहते हैं क्या सर, देखो एक चीज बचपन में पढ़ा था कि 2 plus 3 is equals to 5 and 3 plus 2 is also equals to 5, इसे क्या कहते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस, तो ये भी मेरे पास में क्या है, कम्यूटेटिव। अगर दोनों इक्वल होंगे तो दोनों क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। ये क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन। तो हो सकता है कि कंपोजिट फंक्शन कम्यूटेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है कि कम्यूटेटिव नहीं भी हो। यस, तो कंपोजिट फंक्शन के केस में क्या होता है, ये हो भी सकता है कम्यूटेटिव और नहीं भी हो सकता है। तो लिख लेंगे यहां से कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है ना, यस, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस
functions need not to be commutative. Commutative हो ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सही है सर। चलिए एक फंक्शन को, दो फंक्शन को लिख करके देखते हैं, उसके बाद में दोनों का कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। लेट फंक्शन है f a से b में, दूसरा फंक्शन है मेरे पास में g b से c, तो इनमें से क्या डिफाइंड होगा, f of g डिफाइंड होगा या g of f डिफाइंड होगा। तो सर चलते हैं यहां पर, देखो यहां पर क्या है, इसका डोमेन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, b। जिसका डोमेन आपको गिवन होगा, दोनों में कॉमन क्या है, b। जिसका डोमेन है वो ऑफ एफ डिफाइन करेंगे, जैसे इसका डोमेन है b, तो मैं लिखूंगा कि सर g ऑफ f डिफाइन होगा, और ये कहां से डिफाइन होगा, a से c में, g ऑफ f डिफाइन है a से c में, ध्यान रखना सर, ठीक है। यस, जो दोनों में कॉमन है उसका डोमेन, जिसमें वो डोमेन में है, जिस फंक्शन के लिए डोमेन है उसका कंपोजिशन, सही सर, ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए यहां पर रखेंगे। तो क्या सर अगर मैं बात करूं कि f ऑफ g में f डिफाइंड नहीं होगा, तो सर इसके लिए g का डोमेन, g का रेंज, देखो g का रेंज क्या है, c। f का डोमेन है क्या, c इज नॉट द सबसेट ऑफ a, नो नो नो, अभी कुछ गिवन नहीं है, है ना, तो c अलग सेट है मेरे पास में, वो a का सबसेट नहीं है, सही। अगर सेम चीज रहता तो सेम लिखते हम लोग, तो यहां से मैं कहूंगा c इज नॉट द सबसेट ऑफ a, therefore g f of g is not defined, therefore f of g is not defined, ये f of g defined नहीं है। मान लो अगर defined भी हुआ तो वो equal हो भी सकता है दोनों, और नहीं भी हो सकते हैं equal, सही सर। yes. तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ, कुछ question कर लेते हैं इसके basis पे, इसके basis पे कुछ question करते हैं, ठीक है। yes, लिखेंगे question सर, function मेरे पास के दो function given है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन आपके पास में गिवन है कि fx इज इक्वल्स टू, आपके पास में fx इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx है आपके पास में 2x, सही है सर। यस, और gx डिफाइंड है आपके पास में, gx इज आल्सो डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर, डोंट वरी, दोनों चीज आपके पास में क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो g ऑफ f चेक कर, g ऑफ f का मतलब है g में x की जगह पर fx पुट करेंगे, g क्या है, ये है x आ गया, इसका मतलब fx लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, fx से मेरे पास में 2x, 2x का होल स्क्वायर कर दिया, दिस इज अबाउट 4x स्क्वायर, सही है सर। नेक्स्ट वर्ड, अब मैंने कहा आपके पास में अगर मैं f of g की बात करूं तो f of g भी डिफाइन होगा, ठीक है, ये क्या हुआ कि आपने x की जगह है टू, x की जगह पर gx पुट करूंगा, दिस इज x की जगह पर gx, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, एंड gx इज आवर x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर, इज इट बोथ आर इक्वल, नो सर, बोथ आर नॉट इक्वल। तो यहां से कह सकते हैं हियर g of f not equals to f of g, इसका मतलब ये commutative नहीं है, दूसरे question के लिए में भी हो सकता है, सही सर। जैसे अगर मैं बात करूं कि y equals to x लिखूं और gx भी x लिखूं, तो x को x की जगह पर रखूंगा तो वो क्या होगा, composite function मेरे पास में same मिलेंगे, सही सर। yes, next question की बात करते हैं, तो next question लिखते हैं, question is f is defined from real number to real number and g is also defined from real number to real number and gx is x divided by x minus 1 and fx is x square plus 2. तो चलो चेक करते हैं, यहां पर दोनों डिफाइंड हुआ, f of gx और g of fx, तो मैं लिखूंगा f of gx, f of gx का मतलब है fx में x की जगह पर gx पुट करो, fx लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही x मिलेगा उसकी जगह पर gx पुट करूंगा, चलो fx ये x की जगह पर क्या रख दो, gx रख दो, इसका होल स्क्वायर था होल स्क्वायर प्लस 2,
अब देखो gx कौन है, gx गिवन है, उसको इस पर रखेंगे, दिस इज f अपॉन n माइनस 1 सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करेंगे इसे तो क्या होगा सर मेरे पास में, देखो ऊपर x स्क्वायर बनेगा मेरे पास, नीचे बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, अगर एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में क्या होगा देखना, यहां से x स्क्वायर प्लस 2 बाहर में होगा और इसे ओपन कर देंगे, ओपन करेंगे तो मेरे पास में ये ओपन होगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस में आपके पास माइनस ऑफ 2 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर, इज इट विजिबल देयर, दैट इज x, दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, सही है सर, यस। अब बात करते हैं आगे कि सर अगर मैं बात करूं g ऑफ f के बारे में कि g ऑफ f क्या होगा, तो चले g ऑफ f ये भी डिफाइंड होगा रियल नंबर से रियल नंबर, g ऑफ f का मतलब है g में x की जगह पर fx रखो, gx x दिखे उस जगह पर fx, तो x दिख गया fx रख दिया डिवाइडेड बाय यहां पर रखा fx माइनस 1, तो fx क्या है सर देखो x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, सो दिस फंक्शन इज x स्क्वायर अपॉन प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, तो बताओ g ऑफ f और f ऑफ g बोथ आर इक्वल, नो बोथ आर नॉट इक्वल, इट मींस बोथ आर नॉट कम्यूटेटिव, दिस इज f, g ऑफ f इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ g हियर, ठीक है सर, यस, कुछ केस में होंगे कुछ केस में हमारे पास में नहीं होगा, ठीक है सर, यस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है सर, यस, ये प्रॉपर्टी नंबर 4th था, 5th प्रॉपर्टी की बात करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास में है इस सर कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं वो एसोसिएटिव होता है, सही है सर, यस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, लिखें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, क्या है मतलब अगर मेरे पास में तीन फंक्शन हो, एसोसिएटिव कितने लिए के लिए डिफाइन करते हैं सर, 3 के लिए डिफाइन करते हैं, तो जैसे कि मैं बात करूं तीन फंक्शंस में, मैंने कहा लेट हमारे पास में f है, उसके बाद में g है और आपके पास में h फंक्शन है, ठीक है सर, यस, तीन फंक्शंस गिवन है, तो तीनों फंक्शंस में मैं बात करूंगा यहां से एसोसिएटिव, ठीक है, यस, चलो देखते हैं यहां से, मैंने कहा कि मेरे पास में h फंक्शन जो है इस ये फंक्शन डिफाइंड है, लेट अस से h इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, इसको उल्टा करके लिखता हूं a से b में, और दूसरा फंक्शन मैं लिखता हूं आपके पास में b पे खत्म हुआ b से c में, और f फंक्शन जो भी है इसको मैं लिख रहा हूं इट इज डिफाइंड फ्रॉम c टू लेट अस से b, c से d, ठीक है सर, ये कंपोजिशन की बात करता हूं, कितना का कंपोजिशन मैं करूंगा, देखो यहां से f ऑफ g ऑफ h करूंगा, सही है सर, f ऑफ g ऑफ h, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं f ऑफ g ऑफ h, f ऑफ g ऑफ h, इसका मतलब है कि fx में है ना, यस, इस तरह से fx, उसके बाद में gx, उसके बाद में यहां से आपके पास में क्या होगा f ऑफ g ऑफ x, इसको इस तरह से पहले लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो पहले, दिस इज f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है सर, यस। एसोसिएशन का मतलब है किसी पहले दो को ले लो फिर बाद में दूसरे के साथ कंपोजिशन ले लेना, ठीक है सर, अगर मैं यहां से बात करूं तो मैंने कहा कि f ऑफ g पहले फाइंड आउट करो फिर उसके बाद में h लेना, विल बी इक्वल्स टू f को पहले ले लो g ऑफ h बाद में कैलकुलेट कर लेना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्या f ऑफ g डिफाइंड है या नहीं है, अगर नहीं होगा डिफाइंड तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, जो डिफाइन होगा वही कंसीडर करूंगा, f ऑफ g मींस g का आउटपुट c f का डोमेन होना चाहिए, देखो f का डोमेन है, यस, तो ये डिफाइन होगा, तो ये अगर डिफाइन होगा f ऑफ g तो ये कहां से कहां डिफाइन होगा, यस, इसका आउटपुट देखो है ना सर, यहां से हां जो बाद में लिखा होगा आपके पास में दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में सी कॉमन है, हाँ ऐसे लिखेंगे g b से c में, उसके बाद में f लिखूंगा c से d में,
जो दोनों में कॉमन है ना, यस। तो ये डिफाइन कहां से काम हो, बी से टी, सही सर। सो एफ ऑफ जी विल डिफाइन फ्रॉम बी टू डी, बी टू डी, सही है। एफ ऑफ जी बी से डी में डिफाइन हो गया, उसके बाद में एच के साथ कंपोजिशन देना पड़ेगा, सही है। एच के साथ कंपोजिशन पहले इसकी बात करूंगा मैं, फिर बाद में इसको देखेंगे। इसके साथ में एच का कंपोजिशन, तो एच फंक्शन कहां से था, एच फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, सही है सर। अब बताओ एच को इसके अंदर में डाला गया, जिसको अंदर में डाला जाता है उसको बाहर में बाद में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखो यहां से ए से बी में एच का है, दिस इज एफ ऑफ जी, ये डिफाइंड है बी से डी में, दोनों में कॉमन, तो ये फंक्शन यहां से लेकर के यहां डिफाइन होगा। दिस इज क्या, ये वहां जा रहा है, इसका मतलब इसको अंदर में डालो बस, इसका मतलब ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ एच आपके पास, सही सर। एंड दिस इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये ए से बी में डिफाइन होगा। अब पहले इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल में है, ए से बी में डिफाइन तो हो गया, ठीक है सर, यस। फिर इसको भी डिफाइन करेंगे, वो बाद में करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि f ऑफ g जो है, सॉरी f ऑफ g ऑफ h किसके इक्वल में आ रहा है। तो इसके लिए मुझे कुछ सेट्स कंसिडर करना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे कि क्या सर। अब देखो h, h कौन है, a से b में, तो इसमें एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं, a का एलिमेंट कुछ ना कुछ x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, यस। तो मैं लिखूंगा यहां से, पहले इसको डिफाइन कर लिया मैंने a से b में, मिटा दूंगा इसको, फिर मैं ये यूज करूंगा f ऑफ g ऑफ h, मैं ऊपर लिख देता हूं f ऑफ g ऑफ h, ये बात भी देखिए ये कहां से कहां डिफाइन हुआ है, a से d, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर, यस। तो चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको कैलकुलेट करते हैं, f ऑफ g ऑफ h, f ऑफ g ऑफ h, सो f ऑफ g डिफाइंड फ्रॉम pd, एलिमेंट लूंगा, मैंने कहा x belongs to a है, मैंने कहा y belongs to b है, और z भी ले लो, z belongs to मैंने कह दिया c, और एक और भी लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास में 4 सेट्स आपके पास में गिवन है, 4 सेट्स गिवन है आपके पास में, तो एक कोई और नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है सर, यस। z belongs to सॉरी z belongs to c ले लो, z belongs to c a b c, चलो एक और रह गया मेरे पास में, z belongs to c ले लिया मैंने, चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं इसे क्या आता है मेरे पास में। d का भी कोई ना कोई होगा, एक और ले लो ना, w ले लिया मैंने, w belongs to आपके पास में d, चलो कोई कितना लेना है, ठीक है, यस। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा आपके पास में f of g, सर इसको क्या कर सकते हैं, h फंक्शन है, h ऑफ x क्या लिख सकते हैं, h ऑफ x, क्योंकि h का जो इनपुट क्या होगा, a से, a में कौन सा एलिमेंट लिया, x लिया, तो h ऑफ x क्या मिलेगा, b का एलिमेंट y है, चलो ये लिख दिया। उसके बाद में दूसरे फंक्शन में g की बात करते हैं, g ऑफ b, b में कौन है सर, y है, तो g ऑफ y इसका तो क्या होगा, c का एलिमेंट आपके पास में z है, ठीक है, यस। एक और आपके पास में, नेक्स्ट की बात करूंगा, तो f of c, c का एलिमेंट आपके पास में कौन है सर, c का एलिमेंट आपके पास में z है, this is f of z is equals to d, d का एलिमेंट हमने क्या ले रखा है, w ले रखा है, this is w, ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा f of g of h of x, इसका मतलब hx कौन है, y, तो मैं लिखूंगा f of g hx का मतलब y, अब g को y में डालूंगा, तो ये होगा f of आपके पास में g of y, तो g of f, g of y बताओ ना सर क्या होगा, f of g of y is z, तो ये हो गया आपके पास में f of z, f of z की वैल्यू किसके इक्वल आई, w के इक्वल आई, ठीक है सर, यस। इसका मतलब आया कि f of g of hx is equal to w, ठीक है सर, यस। ध्यान रखेंगे f of g of hx is equal to मेरे पास में w, ठीक है, यस। डाला मैंने x, आया मेरे पास में w, w belongs to d, x कहां से belong कर रहा है, a से, w कहां से belong कर रहा है, d से, इसलिए a to d आया था, ठीक है, यस। अब नेक्स्ट को मैं डिफाइन करता हूं,
नेक्स्ट क्या डिफाइन करूंगा, अभी तो मैंने डिफाइन किया f ऑफ g ऑफ h, अब मैं f ऑफ g ऑफ h को डिफाइन करूंगा। तो क्या सर, f ऑफ मैंने लिखा था ऊपर में g ऑफ h, चलो लिख लेते हैं इसको 4, इसके लिए 4 f ऑफ g ऑफ h, पहले ये डिफाइन करते हैं ये डिफाइंड है भी या नहीं भी। तो g ऑफ f h देखते हैं, g ऑफ h कहां से कहां डिफाइन होगा सर, कैसे लिखे हैं g फंक्शन कहां पे है, ये है b से c, तो मैंने लिखा आपके पास में g जो है आपके पास में b से c है। h फंक्शन क्या है, h फंक्शन कहां है बच्चों, a टू b में, हां तो h को पहले, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखूंगा, दिस इज h जो होगा आपके पास में a टू b में, g जो होगा आपके पास में, g होगा आपके पास में b से c में, तो h ऑफ सॉरी g ऑफ h होगा दोनों में कॉमन, तो a से c में ये डिफाइंड होगा मेरे पास में a से c में, सही है सर, यस। अब बात करते हैं हम लोग a से c में डिफाइन कर दिया g ऑफ h को, अब क्या करें, दूसरा f, f के साथ कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा f ऑफ g ऑफ h, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखो, दिस इज g ऑफ h, ये कहां से a से c में डिफाइन, f कहां से डिफाइंड है सर, f देखो c से b में डिफाइंड, दोनों में कॉमन, तो जाकर के ये दोनों होगा, दिस इज f ऑफ, इट शोज दैट f ऑफ g ऑफ h इज डिफाइंड फ्रॉम a टू d, हां जो पहले निकाला था वो भी a टू d में डिफाइंड था, और अभी जो हमने कैलकुलेट किया इट इज आल्सो डिफाइंड फ्रॉम a टू d, सही है सर, यस। तो अब उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कर लिया जाए कैलकुलेशन, यस, तो करते हैं यहां से, ये किसके इक्वल आया था, w के इक्वल में, ध्यान रखेंगे, यस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं मिटाऊं थोड़ी देर के लिए, यस, इसको मिटा रहा हूं, देखेंगे w के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, यस। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड करेंगे सर हम लोग, वी हैव टू फाइंड f ऑफ g ऑफ h, सही है सर, यस, इट मींस f मेरे पास में बाहर g ऑफ, और यहां पे x आपके पास है, क्योंकि h का डोमेन क्या है, x है ना, h का डोमेन a है, a का एलिमेंट आपके पास में x है, तो इसको क्या लिखेंगे सर हम लोग, g ऑफ hx, क्या लिखेंगे, सो दिस इज रिटन एज g ऑफ आपके पास में hx, और hx कौन है मेरे पास, hx की वैल्यू कौन है सर, y, तो लिखूंगा f ऑफ आपके पास में g ऑफ y, तो g ऑफ y कौन है सर, g ऑफ y इज आपके पास में z, this is f of z, और f of z is equals to again w, it means both are equal, दोनों क्या हुआ मेरे पास में सर, दोनों equal आ गया हमारे पास में, ठीक है सर, yes, तो very simple मेरे पास में यहाँ से, दोनों both are equal, इसका मतलब है कि composition of two functions are associative, क्या होते हैं, associative होते हैं, ठीक है, yes, तो from first and second हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे सर यहाँ से, hence we can say that, pause करके आप note कर लेंगे, ठीक है, yes, hence we can say that, hence we can say that composition, तो f of आपके पास में g of h, इन दोनों का composition इसके साथ में is equals to f of g of h, both will be equal, ठीक है सर, yes. तो कुछ क्वेश्चंस भी होंगे कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि आपके पास में कंपोजिशन क्या है सर, मेरे पास में इक्वल है। एक और प्रॉपर्टी रहेगी उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 का ध्यान रखेंगे, सही है सर, क्या प्रॉपर्टी आपके पास में, कि एक फंक्शन है मेरे पास में, इफ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, सही है सर, यस, एंड i इज ए आइडेंटिटी फंक्शन, एंड आपके पास में आई जो है, आई इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, यस, अब इन दोनों का जो कंपोजिशन मैं करूंगा, ठीक है सर, इन दोनों का कंपोजिशन, जैसे कि मैंने कहा आपके पास में कि f ऑफ आई ए, सही है सर, यस, आई ए का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन a से a में डिफाइंड, ठीक है सर, यस, आई बी लिखूंगा तो आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम b टू b, तो f of i is equals to आपके पास में, यहां पे i a of f करूंगा, तो
तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास में, हाँ ये जो मेरे पास में आएगा आपके पास में एफ के ही इक्वल है, यहां पर मैं आई बी भी लिख लेता हूं, आई बी लिख रहा हूं, ठीक है, दोनों फंक्शन, ठीक है, यस, पॉज हो गया था, ठीक है सर, यस, हियर आई ए एंड आई बी आर आइडेंटिटी फंक्शंस, यहां से लिख लेना है आपने, हियर आई ए एंड आई बी आर आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट, इन सेट ए एंड बी, बिल्कुल सिंपल सा है, इसको प्रूफ करना सही है सर, यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या है आपके पास f ऑफ आई ए, f ऑफ फंक्शन a से आपके पास में कहां पे b में, और i जो फंक्शन है ये a से लेकर के a, तो f ऑफ i का मतलब कहां से कहां पर डिफाइंड होगा ये, चले बात करते हैं, f ऑफ i जो आज बाद में लिखा हुआ इसको मैं पहले लिखूंगा, ठीक है सर, तो i मेरे पास में a से लेकर के a है, और f जो होगा मेरे पास में कहां से कहां डिफाइंड, एंड f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b में, दोनों में कॉमन आया तो a से b में डिफाइंड होगा, यस, तो f ऑफ i a विल डिफाइंड फ्रॉम a टू b में, सही है सर, यस, तो चलो फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा f ऑफ i a का मतलब है f ऑफ आपके पास में i a, सही है सर, यस, ये किसके इक्वल में मेरे पास में, f ऑफ i a जो होगा मेरे पास में, i a क्या होगा मेरे पास, i a मतलब आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि x, दिस इज f ऑफ, मैं लिखूंगा x, f ऑफ x आया मेरे पास, सही है सर, यस, सेम फंक्शन मेरे पास मिला, f x ही मिला, अब मैं दूसरे को डिफाइन करता हूं i b ऑफ f, वो भी मेरे पास में f के ही इक्वल होगा, आप कर सकते हैं यहां से, तो क्या करेंगे सर यहां से, अगर मैं लिखूं कि i ऑफ, आप लिखो 4 आपके पास में i b ऑफ f, तो ये डिफाइंड कहां से कहां डिफाइंड होगा, जो बाद में लिखा हुआ उसको पहले लिखूंगा, ये है आपके पास में a से लेकर के b में, जो पहले लिखा हुआ उसको बाद में लिखेंगे, i कहां से सर, b से लेकर के b में, दोनों कॉमन क्या, b, तो ये कहां से, a से b में डिफाइंड होगा, therefore i b of f will defined from a to b, वो भी a to b में डिफाइंड था, ये भी a to b में डिफाइंड था, सही है सर, तो बस सर देखो फंक्शन ऑफ आपके पास में i b of f, इसका मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन में, आइडेंटिटी फंक्शन में आप क्या रखो सर, fx रखो, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, x होता है, तो x की जगह पर fx रखूंगा तो मेरे पास में fx ही मिलेगा, इसका मतलब f फंक्शन मिला, तो ध्यान में रखेंगे सर कि आइडेंटिटी फंक्शन का किसी भी फंक्शन के साथ में अगर हम लोग कंपोजिशन लेते हैं तो वो जो फंक्शन मिलेगा वो भी आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलेगा, सही है सर, गेटिंग माय पॉइंट, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास में, ठीक है, यस, तो चलते हैं इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहां से कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान में रखना है सर आपको, ठीक है, ये रिजल्ट मेरे पास में ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इतने सारे प्रॉपर्टीज देखे आपने और लगभग इसके सारे प्रॉपर्टीज हमने बात कर ली, क्वेश्चन रहे कुछ क्वेश्चन और फिर इनवर्टिबल बात करेंगे, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर लेते हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेंगे और इनवर्टिबल फंक्शंस, ठीक है, यस, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।